बचे हुए डाटा से कैसे पैसे कमाए, ये जो है बहुत बड़े से बड़े यूट्यूबर ने जो है इसमें वीडियो बना चुका है। लेकिन यार सब जन जो अपने फायदे के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसमें अर्निंग कर सकते हो, और इसमें सजेशन भी बताने वाला हूँ आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या हो रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं और आप जो उनके लिंक से रजिस्टर्ड करो क्योंकि उनको 10% कमीशन मिलता है, ठीक है, इसलिए वो अपना फायदा करवाने के लिए यार आपको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पता चल जाए और इसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाओ। अगर आपको ये ट्राई करना है ऐप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो मेरा सजेशन सुन आखिरी में सुनना, तभी जाके आपको डिसीजन लेना है। मायसेल्फ मनोज को रगड़े, हम डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। आज का जो वीडियो है वो एक वेबसाइट के बारे में है जिसका नाम हनीगेन है। तो वो क्या करता है, सिंपली अपना जो बचा हुआ डाटा होता है वो लेता है और उसे बेच के हमें पैसे देता है, ठीक है। तो जैसे आप सुनते हो कि डाटा बेच के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं बता दूं ये 100% जेन्युइन वेबसाइट है, मतलब फेक नहीं है, 100% रियल वेबसाइट है, क्योंकि ये पे आउट भी दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इस वेबसाइट में या फिर ऐप में कुछ भी काम नहीं करना है, आपको बस उस ऐप को चालू करके इंटरनेट ऑन करके रखना है और बाकी जो हनीगेन वेबसाइट है या ऐप है वो अपने आप अपना अर्निंग जो है होती रहेगी। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो है एक पैसिव इनकम या फिर साइड इनकम की तरह आपको जो है एक अच्छा अर्निंग सोर्स दे सकती है। और थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका जो डाटा बचता है, जैसे कि आप रोज हो सकता है कोई 100% यूज ना करता हो तो आपका कुछ 200, 300, 400 MB बचता हो, इस वेबसाइट से क्या होगा कि ये जो हनीगेन है वो आपका जो है उस डाटा को कंज्यूम करेंगी और उसे और उसके बदले जो है आपको पैसे देंगी। तो ये हो गए उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट। हम डायरेक्ट अब नेगेटिव पॉइंट में आते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट है जैसे कि ये जो है एप्लीकेशन जो है वो जो है जब आपका 10 GB होता है तब जाके आपको $1 मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट देने पे आपको बहुत कम रुपए मिल रहे हैं, मतलब 10 GB में आपको $1 मिलेगा। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका थ्रेशोल्ड जो है $20, जब तक आपका $20 नहीं हो सकता है तब तक आप उसको बैंक में जो है पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये है यार कि मतलब मेरे पर्सनल यूज क्या है कि थोड़ा सा फोन जो है ओवरहीट हो जाता है, ठीक है, हीटिंग होता है। क्यों? क्योंकि यार इस ऐप को जो है बैकग्राउंड में चालू करके रखना है, ठीक है, और दूसरा इंटरनेट भी दिन भर के लिए ऑन रखना है ताकि वो कंज्यूम कर पाए, तो इसलिए थोड़ा हीट होता है। और चौथा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बैटरी कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया और एक कुछ मैंने नेगेटिव पॉइंट बता दिए है, ठीक है, इस ऐप के और अब वेबसाइट के। अब हम आते हैं ट्रिक में कि आपको जो है इसमें $20 जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करनी है, उससे एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आपका एक हनीगेन अकाउंट बनाना है, ठीक है, एक हनीगेन अकाउंट बनाना है और आपके जो है बहुत सारे घर में डिवाइसेस होंगे, उस एक अकाउंट को जो है कनेक्ट कर लेना बाकी सब डिवाइसेस से ताकि आपका $20 जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मतलब वो एक अकाउंट जो है सभी डिवाइसेस में से कुछ ना कुछ MB जो है वो हनीगेन लेता रहेगा, मतलब एक ही अकाउंट में, और एक ही अकाउंट में आपका $20 कंप्लीट हो जाएगा तो आप जल्दी से वो विड्रॉ भी कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं सजेशन की तरफ। अब आपको ये करना चाहिए या नहीं मैं नहीं बताऊंगा, सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को, बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका फोन जो है ओवरहीट होता है आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपकी बैटरी बहुत कम होती जा रही है, ऐप के यूसेज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो यार आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दो चीजों से दिक्कत है, अगर आपको और तीसरी चीज जो है कि बहुत ज्यादा डाटा देने में आपको बहुत कम अमाउंट मिल रहा है, अगर आपको दिक्कत है इससे, तो यार आपको बिल्कुल ये एप्लीकेशन में रजिस्टर नहीं करना चाहिए। मैंने तो बता दिया सजेशन, बाकी तो आपकी मर्जी आपको करना है या नहीं, क्योंकि मेरा काम तो आपको बताना, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक। तो ये तो हो गया यार एक छोटी साइड इनकम। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ी इनकम करना है साइड इनकम ऑनलाइन से, तो मैंने जो है उससे रिलेटेड ये वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने क्या किया है, दिन में 15 से 20 मिनट काम किए है, कुछ दिन काम किए है, 9 से 10 घंटे नहीं, दिन में 15 से 20 मिनट, और मैंने 13,000 अर्न किया है। मेरे दोस्त लोगों ने 50,000 तक उससे ज्यादा भी इनकम किया है, तो यार आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।